आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी यूसुफ मेहर अली को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 2 जुलाई 1950 को हुआ था। यूसुफ मेहर अली को साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो के नारे देने का श्रेय दिया जाता है। साइमन, गो बैक! साइमन, गो बैक! यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर 1903 को हुआ था। उन्होंने नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यूसुफ ने अनेक किसान और व्यापार संघों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन से भी वे जुड़े रहे और जेल गए। 1942 में वे बंबई के महापौर चुने गए। तब वे यरवडा केंद्रीय कारागार में थे। यूसुफ अली जाने माने लेखक भी थे। उन्होंने लीडर्स ऑफ इंडिया, द प्राइस ऑफ लिबर्टी और अंडरग्राउंड मूवमेंट पुस्तकें लिखी। राष्ट्रवादी नेता यूसुफ जीवन भर जनसेवा करते रहे। 1950 में उनका निधन हो गया। हम आज स्वतंत्रता सेनानी बख्त खान का भी स्मरण कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर ने 2 जुलाई 1857 को उन्हें हिंदुस्तान आर्मी का जनरल नियुक्त किया था। वे उत्तर प्रदेश के बरेली के निवासी थे। पहले वे ब्रिटिश भारतीय सेना की आर्टिलरी में सूबेदार रहे। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और बरेली में स्वाधीनता से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बख्त खान बरेली में सैन्य गतिविधियों के लिए ब्रिगेडियर बना दिए गए। उन्होंने हथियारों और गोला बारूद की व्यवस्था की। बख्त खान ने जून 1857 में अपने साथियों, खजाने और हथियारों तथा गोला बारूद के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। 2 जुलाई 1857 को दिल्ली पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर ने उनका स्वागत किया। बहादुर शाह ने उन्हें फरजंद कहा और जनरल के खिताब के साथ कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। बख्त खान ने दिल्ली में सेना को पुनर्गठित किया और उन्हें कड़े अनुशासन में रहने का आदेश दिया। उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जलसाए फौजी कहते थे। हालांकि उन्होंने दिल्ली में अनेक ठिकानों से अंग्रेजों को उखाड़ने में सफलता पाई, लेकिन 25 अगस्त 1857 को नजफगढ़ में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। सितंबर 1857 में अंग्रेजों के कब्जे के बाद बख्त खान ने दिल्ली छोड़ दी, लेकिन लखनऊ और रुहेलखंड में अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दमन के उपरांत बख्त खान नेपाल चले गए और माना जाता है कि 1859 में लड़ाई के दौरान उनका निधन हो गया। हम शहीद सावन को भी आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात से भाग लिया था। सावन ने अंग्रेजों की क्रूरता के विरोध में आवाज उठाई और अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर राजद्रोह तथा कंपनी शासन से विद्रोह करने के आरोप लगाए। इसके लिए सावन को बेड़ियों में जकड़कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप समूह में 2 जुलाई 1859 को कैद में ही उनका निधन हो गया। आज हम शहीद दोधई, भगवान और सहदेव का भी स्मरण कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी थे। इन वीरों को 2 जुलाई 1923 को फांसी दे दी गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा थाने की ब्रिटिश पुलिस ने क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। गोलीबारी में अनेक लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। जब पुलिस की गोली खत्म हो गई तो गोलीबारी से क्रोधित भीड़ को देखकर पुलिस पीछे हट गई और थाने में जाकर छुप गई। कुछ घायल सत्याग्रहियों ने थाने की इमारत पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। इसके कारण थाने के अंदर सभी 23 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। दोधई, भगवान और सहदेव आरोपियों में शामिल थे। उन्हें चौरी चौरा की घटना में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 2 जुलाई 1923 को फांसी दे दी गई।